ओ हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज टू जीसस। महिमा 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 हो राजाओं का राजा। रीमर सखर बाहुलवा रिकरवा रेतम जयम रेतम जयम। आमीन। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल बार फिर से यीशु मसीह के नाम में इस रात के प्रार्थना की सभा में स्वागत करता हूं। विश्वास के साथ, क्या विश्वास के साथ जो लोग बैठे हैं इस प्रार्थना को देखने के लिए, वो ही अपने जीवन में आशीष को रिसीव करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास के द्वारा ही हमें मिलते हैं और विश्वास के द्वारा उसकी आशीष से हमें मिलता है। मेरे पियो, मसीह में जब हम आते हैं तो शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है और चारों तरफ से अटैक करता है। दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, ये सारे बातों को आपके ऊपर उड़लता है ताकि आप मसीह के वचन से पीछे हट जाएं और जहां से आप आए थे वहां फिर चले जाएं। लेकिन वही हमें परीक्षा की घड़ी होती है। जब तक प्रभु दुखों को हमारे जीवन में आने का आज्ञा न दे, तब तक को दुख हमारे जीवन में आ नहीं सकता। हालेलुया। वही पर हम बहुत से विश्वासी लोग विश्वास में टूट जाते हैं और मसीह से पीछे हट जाते हैं, लेकिन उसी समय हमें विश्वास में कायम रहना है। प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के 10 वचन में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि आगे आशीष रखा है। जब आप नहीं डरेंगे और विश्वास में आप खड़े रहेंगे, प्रभु आपके लिए मिरेकल प्रकट करेगा। डरने के बजाय हम प्रभु भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें, सब काम यीशु के नाम में सफल होंगे। और उसी के आगे कहता है, प्राण देर तक विश्वास रख, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। क्या कहने के लिए बोल रहा है? प्राण देर तक विश्वास रख, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अगर हमें उस मुकुट को हासिल करना है तो हमें विश्वास करना होगा। यीशु मसीह हमारे खातिर मरा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और उसी पर अटल रहना होगा कि मेरे लिए असंभव भी परमेश्वर संभव करेगा। जहां से आप सोचे रहेंगे परमेश्वर वहां से आपके लिए मार्ग ओपन कर देगा। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हो जाए। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट, दान, दशमा डाले हैं, प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए अपने बीज को बोए हैं, चर्चन के लिए सहयोग किए, हमारे निश्चित हर रोज 300 दिन आपके लिए प्रार्थना करता है। जो लोग दान, दशमा, भेंट डालना चाहते हैं, डेल दिया गया, अपनी शक्ति, अपनी इच्छा को आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। यस, ओ हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़िए। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, कार्यों के अनुग्रह के लिए, प्यार के लिए। दिन भर कार्य में अगुवाई किया पिता ने, जाने में सहायता किया, हर एक काम को सफल किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया और इस अवसर प्रदान किया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके। खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस घर में प्रार्थना चली पिता, हर एक को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। हर एक व्यक्ति आपके नाम से ब्लेस हो जाए, हर एक व्यक्ति आशीष हो जाए। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रेज टू जीसस। आमीन आमीन आमीन। कुछ लोग जीवन के क्षेत्र के लिए अर्थात भविष्य के लिए चिंता कर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह विश्वास कर रहे हैं तो मसीह में आपका भविष्य सुरक्षित है, सुरक्षित है। यस, मसीह में आपका भविष्य सुरक्षित है और सही समय आने पर यीशु आशीष से आपके जीवन देगा, और चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आपके जीवन के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, प्रभु सही समय आने पर आपको आशीष देगा। मैं देख रहा हूं कुछ लोग जॉब के लिए परेशान हैं, यस, कुछ लोग शादी के लिए परेशान हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग घर के लिए परेशान हैं। मैं कह रहा हूं प्रभु आपके लिए मिरेकल प्रकट कर रहा है, आपके लिए रास्ते खुल चुके हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड। प्रेज टू जीसस। आनंद, घर लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, प्रभु आपके लिए मार्ग ओपन कर चुका है। प्रभु के भवन के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, चर जमीन के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, बीज बोएं, प्रभु आपको घर की आशीष देने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। प्रेज टू जीसस।
महिमा 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 ओ दिमरा सकरबा हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दीपक नशे की आत्मा आपके अंदर कार्य कर रही है, गुटका बड़ी सिगरेट, मुझे देख रहे हैं आप, देख रहे हैं प्रभु आपसे बातें कर रहा है। आज से ही, आज से ही नशे की आत्माएं, चाहे गुटका चाहे बड़ी चाहे सिगरेट क्यों ना हो, किसी प्रकार की नशीली वस्तु क्यों ना हो, आपके जीवन से अलग किए जाए। आपके जीवन से इसी समय अपने पॉकेट से निकालकर फेंकिए उस नशीली वस्तु को। आपको प्रभु अपने राज के लिए चुनना चाह रहा है, वह चुन चुका है। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। ओ महिमा। एस आर डी पी एल एम ओ एस। शादी की समस्याएं से आप जूझ रहे हैं, परमेश्वर 2023 में आपके लिए आशीष रखा है और आपके लिए बंधन तोड़ने के लिए तैयार है। 2023 में परमेश्वर आपको आशीषों से भर दिया। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। एच डी एम ओ ए जे के आई एन, इन सारे नामों को परमेश्वर जॉब की आशीष दे रहा है, आपके मार्ग खुल रहे हैं। ओ हालेलुया। सी डी एस आर जे के एन आर वी, इन सारे नामों को परमेश्वर बच्चे की आशीष दे रहा है। यस, परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष दे रहा है मेरे प्रियो, विश्वास कीजिए स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए आरिश्य क्रम प्रकट कर रहा है। यस, जितने लोग विश्वास कर रहे हैं वो अपने जीवन में मिलकर और आशीष को रिसीव करें। पिता आपने इन सबों को आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं। जो बीमार पड़े पिता उन सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए। ऐसे समय यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, इनके हाथों इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए, हर प्रकार की कमजोरी या वीकनेस इनके शरीर से बाहर निकलने पाए और आपकी सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने पाए। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, इसी समय आरिशय क्रम प्रकट हो जाए। इसी समय अद्भुत चंगाई इनके जीवन प्रकट होने पाए। रीमरा सखर राबा हुलाबा रिखराबा रेक्तम जयम रसोलिया पथरिया गांठ पेट की समस्या बाहर निकलने पाए, सिर दर्द बाहर निकलने पाए, आंख की समस्या बाहर जाए, बीपी शुगर से आजाद होने पाए। इसी समय यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं चंगाई की, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इसी समय ये हीलिंग हो जाए। यीशु के नाम में हर प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए जो एडमिट हॉस्पिटल में, इसी समय मैं इनको चंगाई की घोषणा करता हूँ। आइए मेरे पियो, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके यीशु के पास आइए, वो आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करने के लिए तैयार है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में चंगाई की घोषणा करता हूँ। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं, हर एक चिंता की दीवार में ढाहता हूँ, इनके मार्ग खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए, कष्ट परेशानियों से आजाद होने पाए, रात की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। जो कर्ज में डूबे हुए पिता हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कर्ज के बंधन के जीवन से टूटने पाए, कर्ज की जंजीरों से आजाद होने पाए। इनकी मेहनती कमाई जहां फंसे जिस कंपनी जिस ऑफिस में कहीं पैसा इन्वेस्ट किए किसी को दिए है पिता, हम प्रार्थना करते हैं इनकी मेहनती कमाई इनको जल्द से जल्द मिलने पाए। रुकावट बधाएं इनके घर से, इनके जीवन से, इनके लाइन से बाहर निकलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता परमेश्वर हर एक कर्ज के बंधन टूटने पाए। इनके मेहनती कमाई पिता बहुत से भाई बहन के पिता मेहनती कमाई किसी को दिए कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, हम प्रार्थना करते पिता इनके मेहनती कमाई इनको जल्द से जल्द मिलने पाए। रुकावट बधाएं आपके नाम से दूर होने पाए खुदा, और इनकी मेहनती कमाई जहां फंसा है जिस कंपनी जिस ऑफिस में इनको जल्द से जल्द मिलने पाए पिता। जहां पैसा इन्वेस्ट किए हैं उस एमडी उस कंपनी का हृदय मन परिवर्तन हो जाए और इनकी मेहनती कमाई इनको देने वाली हो जाए। ऐसे ऐसे आपने इनको जीवन दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। नशेली आत्माएं, बुरी आत्मा, अंधकार की आत्मा ईश्वर के नाम बाहर निकलने पाए, हर एक नशे की आत्माओं से आजाद होने पाए, रात की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक नशेली आत्माओं से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये नशे के बंधन से आजाद हो
जाए, अंधकार की आत्माओं से आजाद हो जाए, बुरी आत्माओं से आजाद हो जाए पिता, इनके घरों में सुख शांति आशीष आने पाए और हर एक का हृदय मन परिवर्तन हो जाए। ओ री मरा सखर रब, आपने ऐसे किया, हम धन्यवाद करते पिता। ओ पिता हम प्रार्थना करते हैं जो जीवन के क्षेत्र परेशानियों में घिरे हुए पिता, उनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं आपके नाम सुन के मार्ग खुल जाए, बंधन टूट जाए और हर एक क्षेत्रों में आप उनको आशीष देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं। निराशा में बैठे, दुखों कष्टों परेशानियों में बैठे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, निराशा करने वाली बातों से मैं इनको आजादी की घोषणा करता हूँ। ऐसे समय निराशा करने वाली बात इनके जीवन से, घरों से बाहर निकलने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए खुदावन, इनका शोक आनंद में बदलने पाए आपके नाम से, हम प्रार्थना करते पिता। जो बच्चे की आस के लिए प्रार्थना करवाए, शादी के सरों बीत चुके हैं, बच्चे की आस नहीं मिल पाई है, ये थके मांदे आए हैं, लेकिन विश्वास के साथ आए पिता, और जो विश्वास के सर आपके पास आता है वह आशीषों से भरपूर होकर जाता है, आपने इनको ब्लेस किया, आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेस करता हूँ, मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ, आपने आशीष दिया, चंगाई दिया, धन्यवाद करते पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ये ब्लेस हो जाए, यह आशीषित हो जाए आपके नाम से, आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान किया, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया खुदा, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दशमा डाले है पिता, चर्चों के लिए सहयोग किए हैं, इनके घर इनके परिवार इनके जीवन में आपकी आशीष उतरने पाए स्वर्ग से, इनके सैलरी बीजने सबको इन खत्तों को मैं ब्लेस करता हूँ, जो कमाते पिता इनमें फ्लोंथ होने पाए, फालतू खर्चे मारी की आत्माएं बाहर निकलने पाए, आप इनके ऊंचे ऊंचे कदों पर ऊंचे ऊंचे पदों तक पिता आप इनको बढ़ाने जा रहे और बैठाने जा रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इनके काज हो खोल कर आओ प्रमाशिस की वर्ष आप इनके जुम्मे दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। जो बाहर काम कर जॉब करते, विदेश पढ़ाई करते, जहां भी है पंखों की आड़ में छुपा रखिए, समस्याएं कष्ट परेशानियों का अंत हो जाए, मार्ग खुल जाए, बंधन टूट जाए और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। जितने लोग जॉब के लिए प्रार्थना करवाए हैं, हम प्रार्थना करते हैं मांगने से अधिक योग्यता से बढ़कर आप इनको जॉब की आशीष देने जा रहे पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेस करता हूँ, मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ, ऐसे ऐसे अनुग्रह आपने दे दिया, धन्यवाद करते पिता। जो पिता नींद की समस्याओं जो नींद नहीं आ रही है, हम प्रार्थना करते हैं सुनाए दिन से आप इनको भरने जा रहे हैं, हम धन्यवाद कर। जो खाना खाता टिकायन उसे खाकर हम जो बस प्राप्त करते हैं, हम आपके ऊपर खर्च करने वाले हो जाए पिता, यही प्रार्थना करते हैं। जितने लोग कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट डाले हैं, हम प्रार्थना करते हैं इस समय ये आपके नाम से चंगे हो जाए, शीर्ष हो जाए और ब्लेसिंग हो जाए। उन सारे बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता पिता। जो बच्चे मार है पिता, हर प्रकार की बीमारियों से आजाद होने पाए और बोलने पाए, चलने पाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाए। जो बच्चे के हस्त के लिए प्रार्थना करवाए हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनको आप अपने अशोक से भरपूर कीजिए खुदावन, और हर एक बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, रात की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता। पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में यह ब्लेस हो जाए पिता, आप इनको आशीष दिया, हम धन्यवाद करते हैं। रात सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता कीजिए, प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के पिता जी, आशीष मांगते हैं, शुद्ध आशीष ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेस्टो जीजस हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए की जा रही है। जितने लोग विश्वास कर रिसीव करें, प्रभु उनके जीवन में आशीष दे चुका है। बढ़िया को लाइक कमेंट शेयर करता है और भाई बहनों को यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।